konaali tätä! तो सबसे पहले सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके बचपन की तरफ चलेंगे थोड़ा सा, और जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और कहाँ बीता। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में ही मेरा बर्थ हुआ है और मैं यहीं पैदा हुई थी, और ये घर में जहाँ पे अभी आप शूट कर रहे हैं यहीं मेरा पूरा बचपन बीता है। बेसिकली मैं पूरी तरीके से रायपुर छत्तीसगढ़ की हूँ और यहीं पे ही जस्ट पूरा मेरा सारा बचपन बीता है। मैंने देखा है रायपुर को बदलते हुए, राजधानी के पहले भी देखा है और राजधानी बनने के बाद भी देखा है। तो ये एक्सपीरियंस, मतलब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारा रायपुर कितना डेवलप कर चुका है पहले के मुताबिक। तो जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से राजधानी रायपुर में ही रही हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में थोड़ा। जी, मेरा एजुकेशन जैसे कि मैंने एमकॉम कंप्लीट किया था पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से। फिर कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं राइटिंग पार्ट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था स्कूल के टाइम से, पोएम्स लिखना, कुछ आर्टिकल्स लिखना और कैमरे के सामने फेस करना, तो ये कहीं ना कहीं एक हॉबी था जो कि हॉबी एक करियर ओरिएंटेड चीज़ में बदला। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन परस्यू किया खुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से। फिर यहाँ से मैंने मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, तो मुझे मेरा मन पसंदीदा जॉब मिला एडवर्टाइजिंग फर्म में, जहाँ पर मैं क्लाइंट सर्विसिंग करती हूँ और कॉन्टेंट राइटिंग का पार्ट करती हूँ। कंटेंट राइटिंग करती हैं, और आप हमें थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और इससे पहले इतने बड़े शो में आपकी फैमिली से कोई गया है या आप पहली हैं? जी, मैं सबसे पहली हूँ जो इस शो में मैं गई, और हालांकि सब ट्राई तो करते रहते थे कि उस शो में जाएं, क्योंकि ये शो ऐसा शो है कि हर कोई चाहता है कि उस मंच में जाना। तो हमारे फैमिली में जैसे मेरे पापा, मेरा भाई, सब कोई ट्राई करते रहते थे कि कभी ना कभी लग जाए, और मैंने भी सेम चीज़ ही किया, मैंने भी ट्राई किया शो के लिए, फिर लग जाएगा ये मुझे नहीं पता था, ये सरप्राइज़ था मेरे लिए इस नवंबर मंथ में, जिस मंथ में मेरी शादी भी थी और ये KBC, ये दोनों बहुत बड़े सरप्राइज़ थे मेरे लिए। तो काफ़ी अच्छा साल रहा मेरे लिए ये साल। जैसे कि हमने सुना है कि आपका और आपके पापा का रिलेशन कुछ अलग ही है, प्यार से आप उन्हें बेटा और वो आपको मम्मी कह के बुलाते हैं, तो ये कब से चला आ रहा है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। एक्चुअल में ऐसा है कि क्या बोलते, एक पापा का हमेशा से रहता है कि उनकी बेटी हो, और बेटी इसलिए वो चाहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका ख्याल जो है वो एज अ मदर उनका रखती हैं, और मैं छोटे से ही, चाहे कुछ भी हो, आप दवाई खाए कि नहीं, आप यहाँ पे जा रहे हो ये ख्याल रखना, आप ऐसा मत करना, आप वैसा मत करना, ये हमेशा से मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा है और मैंने ख्याल रखा है। तो पापा को था कि क्या बोलते, जैसे जिस तरीके से मेरा ख्याल मेरी मम्मी रखा करती थी वैसे तुम रखती हो, तो अब से मैं तुमको मम्मी बुलाऊँगा। तो उन्होंने जब बोला कि मैं तुमको मम्मी बुलाऊँगा, तो मैंने बोला कि मैं आपको बाबा नहीं, फिर मैं आपको बेटा बोलूँगी, और मैं ये सबके सामने बोलती हूँ कि आप मेरे बेटे हो, और ये हमारा एक अनोखा रिश्ता है। कब से चला रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से है या फिर ये अभी कुछ समय? नहीं, ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से है। मैं स्कूलिंग के दौरान भी आप बोलेंगे या मतलब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली मम्मी और मैं बेटा बोलती हूँ, ये हमेशा से हमारा रिश्ता ऐसे ही रहा है कि अब हम छोटे में इतना नहीं समझ पाते हैं, पर हम एक एज में पहुँचने के बाद एक रिश्ते को हम कुछ ज़्यादा ही समझ पाते हैं। तो उस समझ वाले स्टेज में जब मैं पहुंची, तो मुझे भी लगा कि क्या होता है, हमारा रिश्ता खाली पापा और बेटी का नहीं है, हमारा रिश्ता उससे बढ़कर है। तो इसलिए मैं उनको हमेशा मतलब बेटा बोलती हूँ और वो मुझे मम्मी बोलते हैं। सही बात है, जैसा कि आपने बताया आपका रिश्ता काफ़ी प्यारा है, बहुत कम लोगों में ये सुनने मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो रही आपकी पर्सनल और फैमिली बैकग्राउंड की बात, अब हम चलते हैं KBC के सफ़र की ओर। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप KBC के शो को कब से फॉलो करते आ रही थी? जी, KBC का शो 2000 से चल रहा है, और हमारे परिवार में सब के सब वो टाइम KBC का टाइम रहता है, डिनर करते वक्त हम उसको देखते ही हैं, और कंटिन्यूसली फॉलो करते आए थे शो को, और एक इच्छा थी कि उस शो में हम भी कभी बैठें। तो उस वक्त से ही हम ट्राई करते रहते थे, जैसे पहले तो मोबाइल के इतने सारे मतलब साधन नहीं थे,
तो STD PCO में जाके ट्राई करते रहना, फिर जब मोबाइल आया मोबाइल से ट्राई करते रहना, फिर अभी तो ऐप्स वगैरह आ गए हैं उससे ट्राई करते हैं। तो कंटिन्यूसली हर एक फेज़ में जैसे जैसे डिवाइसेस चेंज भी होते गए और KBC का इतना लंबा वक्त भी हो गया जो शो कब से चला आ रहा है, अमिताभ सर हैं इसके होस्ट, तो ट्राई हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते थे, फॉलो भी करते थे इस शो को। और ये शो मतलब हमारे लिए एक जैसे सब लोग जो बैठ के एक साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये शो हमारे लिए वही है KBC। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है और साथ में आप कंटेंट राइटर का जॉब भी करती हैं, तो ये तो काम आता ही है आपको, काम आया होगा, इसके अलावा आपने KBC के लिए किस प्रकार की तैयारी की, जैसे कि बुक्स हो गई या फिर कोचिंग, उसके बारे में कुछ आप? जी KBC का जैसे जिस तरीके से मैंने कहा कि शो को मैं कंटिन्यूसली देखती हूँ, तो एक शो को आप देखते देखते ना कहीं पता चल जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए। तो उन चीज़ों में मुझे बहुत सारी चीज़ लगी कि करेंट अफेयर्स इस सीज़न में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो वो करेंट अफेयर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी था। तो उन चीज़ों को मैंने क्या होते ध्यान में रखा कि करंट अफेयर्स जो भी हुए हैं अभी रिसेंट 2021 से लेके 22 तक में जो भी हुए हैं वो मैं पढ़ लूँ अच्छी तरीके से। अपने स्टेट में कुछ चीज़ अलग है, कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे जानने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा, फिर अपने प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, और जनरल नॉलेज जो आपके आसपास की चीज़ों से हैं वो चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आप कहीं ना कहीं जो कॉमन चीज़ हैं वो आप स्किप कर जाते हैं। तो आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आसपास आपके जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं तो उन सब चीज़ों को ध्यान रख के ही आप इस शो के लिए प्रिपेयर आप अच्छे से हो सकते हैं। सही बताया। तो सोनाली आप वहाँ तक पहुँची, KBC के मंच में पहुँची, हॉट सीट पर बैठी और अमिताभ बच्चन से मिली, कैसी थी ये फीलिंग? ये फीलिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जैसे कि मैंने वहाँ पे एक लाइन भी बोला था सपने और हकीकत को लेके, तो ये सच में एक ऐसा सपना मेरा पूरा हुआ है जिस सपने को मैं अपने लंबे समय तक मैं याद रखूँगी, क्योंकि ये पल मेरे लिए ऐसा था कि इस पल को सही में आप भूल नहीं सकते। अमिताभ सर का हाथ पकड़ना, फिर मुझे हॉट सीट में बैठाना, फिर हमारी जो बातें थी, और फिर ऑफ़ कैमरा हम लोग ने जो बहुत सारे पल शेयर किए, वो सब सारे पल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, क्योंकि आप सदी के महानायक से मिल रहे हैं जिनसे मिलने के लिए सब मतलब मुंबई जाते हैं और सोचते हैं कि एक बार मिल लें, उनको जस्ट देख लें, उनको मैंने जस्ट अपने सामने देखा। तो ये सपना मतलब ऐसा था कि KBC ने मेरे मतलब एक आप अमाउंट जितने नहीं जा मतलब अमाउंट भी जितने जाते हो, बट साथ में अगर आप अमिताभ सर को भी मिल लिए तो वो आपके लिए करोड़ों जितने के बराबर ही होता है। जब आपने आपको सबने टीवी पे देखा होगा, कई सारे आपको मैसेजेज आए होंगे, कॉल आए होंगे, तो उस समय का कैसा फील था आपका? वो तो मेरे लिए जैसे अब ये एक सपना पूरा हुआ, दूसरा ये था कि अब लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, फिर पर उन्होंने जैसे शो देखा और वो सामने से इतने कॉल्स कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं जैसे कि वो उस शो में होके आए, तो वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सब इतने ज़्यादा खुश हैं कि मैं उस हॉट सीट में बैठी हूँ, और सब लोग बोले कि यार अमाउंट का तो चिंता नहीं है, आप वहाँ पर हो के आए हो ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सबके आँखों में वो दिख भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं, और दूसरों की खुशी में और कोई खुश होता है ना तो वो बहुत बड़ी बात होती है, और सबकी खुशी वो दिख रही थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और लगातार लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं और एक्सपीरियंस आपका पूछते हैं कि आप कैसे गए, आपका क्या था, फिर उन चीज़ों को मैं जब मैं शेयर करती हूँ और लोग फिर फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं कि यार एक फ़ोटो आप हमारे साथ ले लीजिए, तो वो पल एक आपको एक अलग ही महसूस करवाता है कि आप KBC में गए हैं पर आप एज अ सेलिब्रिटी आपको लोग क्या बोलते ट्रीट कर रहे हैं। सोनाली जी, आप वहाँ तक पहुँची तो कई प्रोसेस रही होंगी, तो लोग जानना चाहते होंगे, जो जाने की सोच रहे होंगे वो भी जानना चाहते होंगे कि क्या प्रोसेस रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा। जी जैसे कि मैं जो KBC में गई थी वो मैं वी जो है उसके थ्रू मैं गई थी, तो वी में था कि नवरात्रि के दौरान उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे पूरे हफ्ते, तो हर हफ्ते क्वेश्चंस का आंसर देना था, तो वो मैंने दिया। और फिर उसके बाद फिर कॉल आया, फिर कॉल में दो तीन स्टेजेस होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहले मैं दो क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद एक और कॉल आया जो वीडियो कॉल था
जिस वीडियो कॉल में हमको 10 क्वेश्चंस के आंसर देने थे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन था। तो ये सारे स्टेज होने के बाद आप फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं ये स्टेज पार करने के बाद, तो वो आपको कन्फर्मेशन के लिए कॉल करते हैं। और बाकी अगर आप KBC का रजिस्ट्रेशन लें तो वो तो उसका एक अलग प्रोसेस रहता है, जैसे हर बार TV में पूछा जाता है कि आपको एक दिन में आंसर देना है, 24 आवर्स के लिए रहता है, या मोबाइल ऐप के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। तो उसमें सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन के बाद आपको फिर कॉल्स होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप फर्स्ट फिंगर फर्स्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। आपका KBC में सिलेक्शन हुआ तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस टाइम? सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरे भैया सुमित दत्ता, मेरे पापा, सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे फियांसे, उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, सागर जसानी, तो वो इतने ज़्यादा खुश थे कि सब लोग मुझे बोलने लगे कि आप ना ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मेरा भाई रोज़ मुझे इंस्टाग्राम में भेजा करता था, तुम ये फैक्ट्स पढ़ लो, वो फैक्ट्स पढ़ लो, सब चीज़ पता रहना चाहिए। मतलब सबको इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी और सबको लग रहा था कि यार हम सब लोग कोशिश करते रहे हैं, बट आप इस मुकाम पर पहुँचे हो तो आपको पूरी तैयारी से जाना है। ये सब लोग ने ये एश्योर किया कि नहीं, आपको तैयारी पूरी होनी चाहिए, आप ये नहीं भूलना, वो नहीं भूलना, मतलब कंटिन्यूसली काउंसलिंग सब लोग करते रहते और खुश बहुत ज़्यादा थे। ऐसे लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हुई हूँ और इनका सबका सपना पूरा हो गया है, इस तरीके से मुझे फील हो रहा था। जैसे कि हमने सुना है कि आपके पापा और आपके फियांसे, अभी तो हस्बैंड है, वो आपके साथ गए थे शो में, तो उनका कैसा रिएक्शन था और किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिला उनका साथ रहने से? जी, तो जैसे कि कंपेनियन में मैं अपने पापा को लेके गई थी। पापा को ले जाने का सबसे बड़ा रीज़न था मेरा कि वो KBC के मतलब फ़ैन रहे हैं हमेशा से, मतलब घर में सबसे ज़्यादा उन्होंने फॉलो किया उस शो को, तो उनको ले जाना एक मकसद था मेरा कि वो भी अमिताभ सर को देखें, वो भी KBC के सेट में देखें। हालांकि उनका अभी भी एक सपना है कि अभी वो हॉट सीट में पहुँचे, मैं पहुँच चुकी हूँ, फिर भी वो अभी भी सोचते हैं कि मुझे हॉट सीट में जाना है। पर मैं उनको इसलिए लेके गई कि उनको भी मतलब एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो मेरे बहुत बड़े सपोर्ट हैं, और जाहिर सी बात है वो मेरे पापा हैं, तो मेरी खुशी में तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और फियांसे को मैं इसलिए लेके गई थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मतलब किसी भी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा मुझसे, तो वो जो स्ट्रेंथ, जो सपोर्ट है वो मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। तो वो काउंसलिंग करना, और कहीं ना कहीं आप जब इतने बड़े मंच में जा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है। जैसे फर्स्ट दिन मेरा नहीं हुआ था हॉट सीट में, तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। तो आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली अपने आप को बनाए रखना है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखना है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट मेरे हस्बैंड थे। तो इसलिए मैंने बोला कि आप दोनों को चलना है मेरे साथ, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेले शायद जो मैंने अभी विन किया वो शायद वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, तो आप दोनों रहोगे तो शायद वो मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं अच्छा और कर सकती हूँ। तो आप अपने विनिंग के बारे में बताएं, कितना प्राइज आपने जीता और कितने की उम्मीद थी? जी, उम्मीद तो मुझे ज़्यादा की थी, क्योंकि आप किसी ऐसी शो में जाते हैं और आप देखते हैं कि आप इतना विन कर सकते हैं, तो उम्मीद तो मेरी थी कि मैं 75 लाख तक पहुँचूँ, और या तो फिर जब खेल रही थी तब ये टारगेट था कि 12.50 तो मैं यहाँ से लेके जाऊँ। पर कहीं ना कहीं आप जैसे मैंने 3,20,000 वहाँ से जीता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं और ज़्यादा जीत सकती थी अगर मैं नर्वस नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि उस हॉट सीट में बैठना आपके लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहता है कि आपको पूरी दुनिया देख रही है, सामने अमिताभ सर बैठे हैं, उनके सामने आपको बैठे रहना है, और जो क्वेश्चंस बोल रहे हैं आपको पूरा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के करना है, जो कि मैंने कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा सा लूज़ कर दिया, और मुझे जो चीज़ आता था उस चीज़ के लिए भी लाइफलाइन यूज़ कर लिया। तो मुझे था कि नहीं यार, मैं और जीत सकती थी अगर मैं थोड़ा सा अपना मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करती या नर्वस नहीं होती, तो नेक्स्ट टाइम जो भी अगर जाएगा तो यही चीज़ मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप नर्वस मत होना, आप अपने नॉलेज पे ट्रस्ट करना जो आपको नॉलेज है, और उन चीज़ को सोच के ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप आंसर दीजिएगा, तो आप ज़रूर और अच्छा विन कर सकते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आप थोड़ा नर्वस हो गई थी, अमिताभ सर आपके सामने बैठे थे, और आपने एक सवाल के बीच में ये बोला भी था कि जो चीज़ आता है अमिताभ सर सामने बैठे हैं तो वो भूल जाता है, तो एक्साइटमेंट में हो रहा था या नर्वस था, मतलब कैसी फीलिंग थी उस टाइम की? वो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आप उनको देख रहे हैं जिनको आप हमेशा खाली बड़े पर्दों में देखे हैं, और एक
रहता ही है, भले हम उस एरा के नहीं है जिस टाइम अमिताभ सर के सारे वो रोमांटिक मूवीज आते थे, बट वो इस तरीके के पर्सन है। मेरे ख्याल से हर एक जनरेशन उनको पसंद करता है, हर जनरेशन का ऐसा है कि कोई हीरो की तरह पसंद करता है तो कोई पापा की तरह, कोई दादाजी की तरह, उनका ऑरा ही एक अलग टाइप का। तो उनके सामने बैठना, उनको देखते रहना, ऐसा लग रहा था कि मुझे कि मैं आंसर नहीं दूँ, मैं उनको ही देखते रहूँ, वो इस तरीके से थे। तो वो पल आप कहीं जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पल आपके लिए वहाँ पे ऐसा रहता है कि यार ये पल बस रुक जाए और अमिताभ सर और मैं बस बैठे रहूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रहा था मन में कि अरे आंसर में क्वेश्चन में फोकस करूँ कि मैं सर में देखूँ, तो वो चीज़ एक नेचुरल था। हालांकि उनको लगा कि ये सब बोलते हैं, पर वो उनका एक ऑरा ही है जो कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, जो कि सबको खींचता है और हम इस तरीके से फील करते हैं। तो आपने अभी तक जो जीती हुई अमाउंट है उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया? जैसे आपने शो में बताया था कि आपको अपने घर को रिनोवेट कराना है और शादी के लिए आप एक अच्छा सा लहंगा लेने वाली थी और कुछ लोन था उसको भी आपको चुकाना था, तो वो सब आपने किया या नहीं? और उसके बाद भी आपको और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगी इस बारे? जी अब एक अमाउंट आप विन करते हैं, क्योंकि आप हर मंथ एक कमाते हैं तो आप उतना सेव नहीं कर पाते हैं। आप एक अमाउंट विन करने के बाद आपका रहता है कि इस अमाउंट को कहीं ना कहीं आपको अच्छे जगह पे लगाना है और जो आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे वो आपको पूरी करनी है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि रेनोवेशन के लिए, और मैंने अपना लोन भी क्लियर किया है इस चीज़ से, और मुझे अपने घर के लिए भी जो है उस चीज़ के लिए भी मैंने एक अलग से अमाउंट रखा है। और फिर उसके बाद लहंगा तो मैंने बहुत अच्छा लिया भी था और वेयर भी किया अपने शादी में, तो वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई। और बाकी जैसे जो हैं उन चीज़ों को मैं रख के एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेव उतना नहीं कर पाते हैं रोज़ के जितने खर्चे आपके रहते हैं। तो ये अमाउंट को आप जिस तरीके से इन्वेस्ट करके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकें, तो वो मैं फिर इसके लिए प्लान करूँगी। हमने शो में देखा था कि आप काफ़ी इमोशनल हो गई थी, अमिताभ सर आपको पैम्पर कर रहे थे, चाहे टिश्यू देना हो या पानी, तो कैसा लगा आपको? मतलब आप जो सोच भी नहीं पाती या जो सपने में देख रही थी वो आपके सामने था, तो कैसी थी फील? वो जैसे कि हम खुद घर में देखते थे तो ऐसा लगता था कि अरे यार ये ऐसे कैसे इमोशन आ रहा है, बट आप जब उस मंच में पहुंचते हैं और आप उस पारी की वेट करते रहते हैं कि कब आप हॉट सीट में पहुंचेंगे, और दूसरे को हॉट सीट में बैठ के देखना, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा लगता है कि यार हम कब उस हॉट सीट में बैठेंगे। क्योंकि फर्स्ट फिंगर फर्स्ट में जब आप बैठे रहते हैं, जब आप नहीं खेलते हैं, तो आपको लगता है थोड़ा सा कि यार वहाँ पे हॉट सीट में बैठना है, हॉट सीट में बैठना है, और टाइम निकलता जाता है तो आपकी उम्मीदें और बढ़ती रहती कि अब कब आएगा हमारा चांस कब आएगा। तो जब वो चांस अचानक से आया, क्योंकि पहले दो बार में मेरा नाम ही नहीं आया था, और जब वो तीसरे बार में जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा, तो वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि मुझे तब भी लगा था कि यार शिट फर्स्ट और सेकंड में मेरा नाम तो नहीं आया, अब शायद नहीं होगा ये। पर जब उन्होंने मेरा नाम लिया, सोनाली दत्ता रायपुर छत्तीसगढ़, तो वो चीज़ सुन के मेरे लिए एक अचानक सा एक सरप्राइज था वो, कि अरे यार मेरा नाम आ गया, मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी। तो जब उन्होंने नाम लिया तो उस चीज़ को मैं रोक नहीं पाई इमोशन को, और वो इमोशन आपने जैसे कि सबने देखा उस तरीके से वो हो गया। जैसे कि आपने अमिताभ सर से एक क्वेश्चन पूछा था एंग्री यंग मैन वाला, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि फिल्में अलग होती हैं और हम रियल लाइफ में अलग होते हैं, तो आपने खुद भी देखा है उनको सामने से, तो रियल और रील में जो डिफरेंस दिखा वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो तो बात सही है, हम टाइटल तो हम मतलब जो वो रोल करते हैं उस हिसाब से दे देते हैं। जैसे कि अमिताभ सर का रोल हमेशा से रहा है कि वो कुछ फाइटिंग सीन कर रहे हैं, तो उनको एंग्री यंग मैन का दे दिया, बट हालांकि वो एकदम वैसे नहीं थे एंग्री यंग मैन। तो जैसे कि अमिताभ सर को हम लोग ने मूवीज़ में हमेशा से देखा है एक फाइटिंग सीन करते हुए, और एक एंग्विश रहता था उनमें, एक एंग्री चीज़ रहती थी कि वो इस तरीके की रोल करते थे, बट वो उनका एक रियल लाइफ है वो मूवीज़ में, क्योंकि उनको वैसे मिलते हैं, बट एक्चुअल में वो एकदम अपोजिट है उससे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आपको वहाँ पे कंफर्टेबल कर देते हैं आप, क्योंकि इतने बड़े मंच में जाके आपको कहीं ना कहीं एक डर लगता है, तो वो उस चीज़ों में वो आपको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं, हर एक मोमेंट को वो हंसी मजाक में बदल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं वो।
और आपको वो लगने नहीं देंगे कि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, या कुछ उनमें ऐसा दिखेगा कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं क्यों बात करूँ, या कुछ आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप जब उनके सामने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपके फैमिली के कोई मेंबर बैठे हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे वहाँ पे बैठ के नहीं लगा कि मैं एक सदी के महानायक के सामने बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मैं उनसे मिली हूँ और वो मेरे कोई दोस्त हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे वहाँ पे मन में आ रहा था कि मुझे पूछना चाहिए, मैंने वो पूछा और उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिया। और वो रियल लाइफ में एंग्री नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट हैं, बहुत ही चेयरफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है वो। जैसे कि आपको बहुत ही चेयरफुल और काफ़ी अच्छे पर्सन लगे वो, तो आपने शो में अमिताभ सर से अपनी लव स्टोरी के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था, और आपने बताया था कि आप बंगाली हैं और वो गुजराती, और अमिताभ सर की भी इंटरकास्ट मैरिज है, तो ऐसे में आप उनसे क्या चीज़ें जानना चाहती थी और उन्होंने क्या चीज़ें आपको बताई जिससे आपको लगा कि हाँ हम भी अपने फॉलो कर सकते हैं, वो चीज़ें आप शेयर करें। मेरे मन में था ही है, क्योंकि जया बच्चन जो बंगाली हैं और मैं भी एक बंगाली हूँ और सर यूपी साइड से हैं, तो मेरे मन में भी था कि मैं चीज़ों को पूछूं कि इंटर कम्युनिटी, आप लोगों ने शादी किया तो आप लोग एक दूसरे के चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ का आंसर भी दिया कि वो उनका पूरा फैमिली जो है, उन्होंने मतलब कभी भी नहीं देखा कि वो सेम कास्ट में शादी करें। उन्होंने अपने पापा मम्मी के बारे में भी बताया कि वो भी इंटर कास्ट मैरिज ही था, तो मुझे ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम, मैं इंटर कास्ट मैरिज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ वहाँ पर कोई अगेंस्ट में मेरे खड़े रहेगा। और उन्होंने एक शेयर किया टिप्स कि आप उसका बात माने, आप उनका बात माने, आप दोनों एक साथ रहें, और जहाँ पे सब दिल और मन मिल जाता है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप इस तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें कम्युनिटी वाली चीज़ कुछ नहीं आती है, ये इंसान इंसान की चीज़ें हैं। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप एक साथ अच्छी तरीके से रह सकते हैं, उसमें आपकी कम्युनिटी क्या है, आप कहाँ से आते हैं, क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने बताया कि अमिताभ सर ने बताया कि उनकी फैमिली में भी पहले इंटरकास्ट मैरिज हुई है इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, तो लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, मतलब आपको इंटरकास्ट मैरिज में, क्योंकि आज की डेट में भी गांव में हम देखें तो लोग इंटरकास्ट मैरिज के ख़िलाफ़ होते हैं, तो इस बीच में आपकी फैमिली कैसे मानी, कैसा सपोर्ट उनका मिला आपको? मेरी फैमिली हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, क्योंकि हमारे फैमिली में पहले ही लव मैरिज हो चुके हैं, जैसे किसी ने मराठी में किया, कोई छत्तीसगढ़ी में किया है, मतलब अलग अलग कास्ट में हुआ है, तो मुझे पहले से पता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हारे फैमिली में कोई अपोजिशन कुछ रहेगा, तो उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि अगर आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से और आप दोनों एक साथ रहना चाहते हो, चाहे जो भी अच्छाई है बुराई आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी किसी को उस चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर इसमें कम्युनिटी कास्ट की चीज़ों को लेके आएंगे तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ों में बंद जाते हैं, उन चीज़ों में बंद के फिर आप कोई, देखा है मैंने बहुत सारी मैरिजेस, जैसे वो कोई खुश नहीं रह पाता। तो मेनली मैरिज में आपको खुश रहना है कि आप एक दूसरे के साथ कितना खुश हैं, आप एक दूसरे को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस हमारे दोनों घर वालों को दिखा कि हम लोग ने एक दूसरे को किस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उन चीज़ों में कभी भी अपोज नहीं किया किसी ने, और बोला कि आप दोनों चाहते हो, आप दोनों इस चीज़ में खुश हो, तो हम सब भी राज़ी हैं। तो मेनली सब बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, ये नहीं देखनी चाहिए कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। अगर वो खुश हैं और साथ में रहना चाहते हैं और हमेशा साथ में रहेंगे, तो इन चीज़ों को देख कर ही दोनों परिवार को मिलना चाहिए कि नहीं, अगर बच्चे खुश हैं और हाँ है उनका, तो हम भी इन चीज़ों में खुश हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके दो सपने पूरे हुए, आपके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहा, एक तो आपकी शादी हुई और दूसरा केबीसी में शो आना, इसके अलावा आपने फ्यूचर में और क्या अचीव करने को सोचा है? जी, फ्यूचर में तो अभी मैंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है कि मैं, जैसे कि मैं अभी जॉब करती हूँ, तो मैं खुद के कुछ वर्क स्टार्ट करूँ, और कंटेंट राइटिंग का जो वर्क है वो चीज़ मैं अपने तरीके से करूँ उसको, और पूरी दुनिया घूमने का मतलब मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं घूमने जाऊँ, क्योंकि वो आप रोज़ लाइफ में कहीं ना कहीं आप जब रहते हैं, पढ़ाई करना, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो आप उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने सोचा है कि मैं अपने ये सपने को पूरा करूँ कि मैं ट्रैवल करूँ,
और अपना कुछ वर्क स्टार्ट करूं और जितना खुश रख सकूं सबको अपने से, मैं वो कोशिश करूंगी। सो मैं अब तक का सबसे अच्छा सफ़र, सबसे अच्छा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकती? मोमेंट तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक हफ्ते में आप एक एक पल, आपका इतना ज़्यादा कीमती वहाँ पे हो जाता है कि आप एक एक पल को मिस नहीं करना चाहते। और वन वीक का टाइम हमारा मुंबई में केबीसी के सेट में इतना अच्छा रहा, सारे कंटेस्टेंट के साथ भी हम बहुत ज़्यादा, अब एक इतने सारे कंटेस्टेंट अगर साथ में रह रहे हैं, सब लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो और सब अलग अलग स्टेट से थे, तो हम लोग ने बहुत सारी बातें शेयर की और सब दोस्त बन गए हम वहाँ पे। फिर जब हॉट सीट में जाना था या कुछ, तो सब में था कि सब एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं तुम भी जा सकते हो, हम मतलब सब कोशिश करेंगे कि जाने के लिए। किसी में ऐसा नहीं था कि कोई कंपटीशन कर रहा है, एक परिवार सा बन गया था वहाँ पे। और मोमेंट, सबसे बड़ा मोमेंट तो मेरे लिए ऑब्वियसली बात है हॉट सीट में बैठना, अमिताभ सर के इतने ज़्यादा करीब रहना और उनसे सारी बातें शेयर करना, उनसे कुछ चीज़ें पूछना, हंसी मजाक, और उनका मेरा हाथ पकड़ के हॉट सीट में बैठाना। और सही में वाकई में उनका हाथ बहुत ठंडा था और वो मुझे अभी भी फील होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये सारे मोमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है। जैसे कि अभी तक आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो केबीसी के लिए ट्राई कर रहे होंगे उनको काफ़ी मिल रहा होगा इस चीज़ों से, इसके अलावा और क्या टिप्स देना चाहेंगी आप? टिप्स यही है कि केबीसी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मंच है जहाँ पे सब कोई चाहता है कि जाऊँ मैं, मतलब आप नेशनल टीवी में दिख रहे हैं और नेशनल टीवी में दिखना ही एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और दूसरा एक प्राइज़ अमाउंट विन करना, और तीसरा अमिताभ सर के सामने बैठना, अमिताभ सर से मिलना, और इतने सामने से मिलना जो कि आप कभी सपने में सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है कि अमिताभ सर का एक झलक दिख जाए। तो ये सारी चीज़ आपको एक बार में मिल जाते हैं केबीसी में, कैमरा मतलब लाइमलाइट में आना, फिर आपको एक अमाउंट विन करना, अमिताभ सर के सामने रहना। तो आप अगर अभी आप ट्राई कर रहे हैं और आपका नहीं लगा है, आप ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि हम सब भी यहाँ पे ट्राई ही कर रहे थे, क्योंकि नहीं पता था कि पापा का लगेगा कि भैया का लगेगा कि मेरा लगेगा, पर लग गया वो आपका लक रहता है। पर अगर आप ट्राई करना छोड़ देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं यार नहीं हो रहा है, ज़रूर कोई सेटिंग होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेटिंग एकदम नहीं होता है, ये आपका लक है और आपको ट्राई करते रहना चाहिए। आपका कभी ना कभी टाइम आएगा और आप भी उस हॉट सीट में बैठेंगे और आप भी मेरे तरीके से, जैसे मेरी तरह आप वहाँ पे हॉट सीट में बैठेंगे और अमिताभ सर के साथ बहुत सारी बातें करेंगे और एक अच्छा अमाउंट जीत के आएंगे। आपने बताया लक भी होता है और आपको ट्राई भी करते रहना चाहिए, कभी ना कभी हो सकता है। तो हमारे चैनल जो आपको देख रहे हैं, जिन्होंने जब ये आपका शो आया तो जब आपको वो टीवी पे देखे और जो अभी देख रहे हैं, तो उनको आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये लास्ट मैसेज मैं यही देना चाहूँगी कि आप केबीसी एक अच्छा बड़ा मंच है, आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिए। जो नहीं भी देखते हैं वो ज़रूर देखिए शो को, क्योंकि ये शो एक आपको एक ऐसा एहसास दिलाएगा, आपकी ज़िंदगी को एक अलग मोड़ दे देगा, क्योंकि आप वहाँ पे एक अपने बहुत सारे सपने आप लेके जाएंगे, वो सपने शायद आपके पूरे हो सकते हैं। अमिताभ सर के जो फ़ैन हैं उनके भी सपने बहुत ज़्यादा पूरे हो सकते हैं इस शो में जाके। तो आप ट्राई करते रहिएगा और अपने नॉलेज को अपडेट रखिएगा, अपने आसपास के नॉलेज को, जो भी आपको पता चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़िए, आप रेडियो सुनिए, आप जो भी अभी कुछ भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपको मौका कभी भी मिल सकता है। ये मौका ऐसा नहीं है कि आपको अभी आया और आप तैयारी चालू रखें, तो तैयारी आप कंटिन्यू अपना रखें, क्योंकि ये आपको कभी भी मौका मिल जाएगा और आपका हो सकता है कि केबीसी में हो जाए और आपने जो अभी तक पढ़ा है, आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ जाए और आप एक अच्छा अमाउंट जीत पाएँ। नाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, काफ़ी सारे टिप्स दी जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज हमारे साथ मौजूद थी छत्तीसगढ़ की एक ऐसी बेटी जिन्होंने सिर्फ प्रदेश में ही नहीं देश में भी नाम रोशन किया है, और उन्होंने हमारे साथ काफ़ी सारे बातें शेयर की, काफ़ी सारे टिप्स दी जो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कैमरा पर्सन अरुण चंघेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।